तो डर लग रहा है यार, सच बता रहे हैं। किडनी निकलवाने थोड़ी आए यार। एक मिनट रुक जाना भाई, ये प्रैंक नहीं है, तुमको साजी दो। Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is me, Mansi Gupta. Hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे अपना और अपने मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। So आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मेरा आज फाइनली एक सपना पूरा होने वाला है। मैं जो सोच के रखी थी इतने टाइम से कि मैं इतना छोटा बाल करवा लूंगी, कब से मैं सोच के ये रखी हूँ कि मैं बाल शॉर्ट करवाऊंगी, लेकिन कभी भी मैं खुद को ऐसा समझा नहीं पाती हूँ कि पता नहीं कैसा लगेगा। मम्मी भी मना कर देती है कि नहीं करवाना, पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन इस बार फाइनली मेरा मन पूरा ही बन चुका है और आज हम जाके अपने बाल को कट करवाने वाले हैं। एक्साइटेड हम बहुत ज़्यादा है अपने न्यू लुक के लिए, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं शॉर्ट हेयर में मैं कैसे लगने वाली हूँ। बट जो होगा भाई देख लेंगे, जिंदगी तो एक बार मिला है, हर तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं सैलून, बट उससे पहले चलेंगे ऑफिस। मम्मा लंच पैक कर रही है और आज हमको लग रहा है कि बाल वाल करवाने वाला ही दिन आ सकते हैं, कभी बारी है ना। क्या हो गया सत्यम, आज अपने बाल कट करवाने वाला, देखो इसका भी बाल बड़ा बड़ा हो गया। तो चलो आज के वीडियो में पूरे बने रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम क्या बोले यार, आप लोग भी नहीं चाहते थे कि मैं अपने बालों को शॉर्ट करवाऊं, बट पहले तो मैंने सोचा कि चलो कोई ना, लास्ट टाइम मैं इतना छोटा करवा के आई थी, बट इस बार मेरा मन कर रहा है इतना दूर तो कम से कम करवा ही ले। अब देखो जो ना होगा हो जाएगा, हमको डर बहुत ज्यादा लग रहा है, अब हम ज्यादा सोचेंगे ना तो फिर मेरा मन बदल जाएगा, उससे अच्छा है कि चलो चलो चलते हैं ऑफिस, उसके बाद चलेंगे सैलून। एंड या इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और वीडियो के बाद मम्मी का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा ऐसे ही बोल देते हैं मम्मी हम जा रहे बाल कट करवाने, मम्मी मना की हुई है बाल छोटा नहीं करवाई, करवाना है तो टकली हो जाओ नहीं तो नहीं करवाना है। यहाँ मम्मी लंच का तैयारी कर रही है, गोभी आलू का सब्जी, वाह कितना टेस्टी सब्जी बन रहा है, तो ये हम लेके जाएंगे लंच में। एंड जा रहे हैं बाल छोटा करवाने, क्या करोगी सुनो ना, याद है मम्मी का पता है भैया की शादी में इतना छोटा बाल करवा रहे थे, उसके बाद मम्मी मेरे पे भरोसे नहीं करती है बाल के मामले में, बाकी हम छोटा ज्यादा छोटा नहीं करवाएंगे, इतना बड़ा रहेगा देख लो तो उसे क्या हो जाएगा, उसे पता नहीं हमको क्या होगा, लेकिन हमको खुद को नए लुक में देखना है, अपने छोटे छोटे बालों में देखना है, पता नहीं क्या होगा जो होगा देख लेंगे, बाकी चलते हैं और मिलते हैं। तो हमारा लंच भी पैक हो गया और यहाँ मम्मी को देखो, आज मम्मी का नया लुक, मम्मी का नया नया लुक, साड़ी देख लो, यहाँ देख लो गैस बंद हो, ठीक तो है गैस तो चल रहा है, अरे माफने जा रहे सबको लग रहा है। तो फ्रिज का जो वो टूट गया था ना, क्या बोलते हैं कवर के नीचे का जो स्टैंड होता है बॉटल रखने वाला स्टैंड, उस दिन ला नहीं पाए थे तो आज वो भी लेके जा रहे हैं, तो चलो एक काम ये भी हो जाएगा, मम्मी आज खुश हो जाएगी, अगर मेरे छोटे छोटे बाल को देख के गुस्सा भी होती है तो इसको देख के खुश हो जाएगी कि बेटी मेरा एक को काम तो की, लंबे लंबे बालों को देख लीजिए लास्ट बार वही क्या करो, छोटा तो अब होएगा ही। ऑफिस से भी निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने बालों का, क्या बोलते हैं उसको ऋषभ, क्या बोलते हैं उसको, कुर्बानी। अब सही बता हम जितना एक्साइटेड थे ना हमको उतना ज़्यादा डर लग रहा है, अब कहीं हम सैलून में बैठने के बाद भाग नहीं जाए, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, फिलहाल चलो चलते हैं, पता नहीं, अरे भाई बाल तो कटाना है, क्या हो जाएगा, चला जाएगा अपना तो खेती है, फिर से आ जाएगा। मम्मी हमको बोली कटवा तो माना खाली, तब उससे पूछेंगे हम, तो कटवाने जा रहे हैं, देखना क्या होगा, कैसा होगा ऋषभ, डर लग रहा है यार सच बता रहे हैं, पता नहीं लग रहा है बस, खैर चलो चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो होगा देख लेंगे, क्या बोलते हो गाइस। हम अगर हम आप लोगों को अपने धड़कन का आवाज सुना सकते हैं ना तो सुना देते हैं, कितना जोर जोर से ऐसे से पंप कर रहा है कि भाई मत जाओ, अभी भी रुक जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास, लेकिन पता नहीं दिल बोल रहा है रुक जाओ, लेकिन मन मान ही नहीं रहा है, मन बोल रहा है कि कटवा लो, हमको सच बता रहे डर लग रहा है यार, हम भागेंगे ना वहाँ से, अरे हम आज तक शॉर्ट हेयर में कभी नहीं रहे हैं, मतलब रहे हैं बहुत पहले रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो बढ़ा फिर कभी कटवाए नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है कैसे होता है, जैसे भी होता है हो जाएगा बस, तो पता नहीं था डर का ही लग रहा है, हम डॉक्टर के पास सुई लेने थोड़ी आए, अपने किडनी निकलवाने थोड़ी आए यार, सच में डर लग रहा है, पता है मेरे हाथ देख रहे हो एकदम पूरा है, हम पता है यहाँ पर सोच रहे बैठ के हम कटवाएं या नहीं कटवाएं,
क्या करे, क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो, फाइनल बोलो। हम सबको घर में बोल के मम्मी हम कटवा ले कटवा ले, मम्मी तक के बाद बोली कटवा के, और फिर बताते हैं तुमको कटवा लो। चलो जो होगा देख लूँ गाइस, हम पता वहाँ तक जाके वापस लौटे, मतलब उनका डर लगा। तो फिलहाल आप लोग मेरी कोर का हेयर देख लो, खोलने के बाद भी दिखा देंगे। एंड उसके बाद उधर कचड़ा दिख रहा है, कचड़ा है तो हम क्या करें। ये ना पीछे बड़ा गड़ता है यार, गर्दन में दर्द हो जाता है। ठीक है कि हम अपना खुशी बताते जाहिर करते हैं। फिलहाल अभी अपना आईब्रो भी बनवाएंगे, आईब्रो भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है काम तो बाल। बाकी बताओ आप लोग कैसा लग रहा है यार, मेरा बाल जो सूख रहा है भाई साहब इतना लंबा। पहले ना प्लान ये मेरा प्लान ये है कि मम्मी को जाके पहले वो देंगे हाथ में, ठीक है, अपना जूड़ा बना के जाएंगे, उसके बाद उसके पास खोल के दिखाएंगे भाई साहब। पता नहीं क्या रिएक्शन होने वाला है मम्मी का, कहीं मेरा आज लास्ट दिन ना हो घर में। हमको बहुत यार, तो मेरे बालों का आप लोग फाइनल शॉट देखो यार, हमको तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं, मतलब मेरा लुक ही चेंज हो गया। पहले वो हम लोग रास्ते में बात करेंगे, फिलहाल आप लोग मेरे हेयर का एक शॉर्ट वीडियो देखो। इतना डर रहे थे इतने सालों से कि हम कैसे बाल कट करवाएंगे, फाइनली जाके मेरा हेयर कट देखो यार, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम पता है एक चीज पता है क्या खराब हुआ है, हम दिखाते हैं, गाना बंद होने दो। देखो हम जब चोटी करेंगे मेरे बाल में कुछ बचा ही नहीं है जो चोटी करने के लायक होगी, ठीक है। हम जूड़ा बना के घर जाएंगे और मेरा जो बाल था ना उसको हम इसमें लेके जा रहे हैं। मम्मी के हाथ में पहले ये देंगे, मम्मी देखो, ठीक है, मम्मी देख लेगी। और भाई साहब मेरा बाल कितना मजबूत था, वो कैंची कितना बार मारे यार, भी सब कट ही नहीं रहा था, ये देख लूँ ये तो ऐसे खुल जाएगा, इसको और नीचे करो। एक्चुअली मैं ये हम इसलिए लिए क्योंकि हमको अपने हेयर को डोनेट करना था, वो आप लोगों को हम बाद में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको हम लेके जाते हैं, मम्मी के हाथ में ये देंगे, उसके बाद हम मम्मी को अपना बाल खोल के दिखाएंगे। तो चलो इसी के साथ चलते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा अभी। तो आज तो हमको लगता है मेरा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा होने का, क्योंकि हमको अपना बाल इतना सुंदर लग रहा है यार। हम ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिए, जिस टाइम हम 8-9 में थे उस टाइम से मेरा इतना मन था कि हम बाल छोटा करा ले, फिर लगता था पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं। देखो यार कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग बताओ कमेंट में आप लोगों को कैसा लगा। और मेरा माथा तो इतना हल्का लग रहा है ना कि क्या बताएं यार, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब पता नहीं मम्मी का क्या रिएक्शन होने वाला है, वो आप लोग थोड़ी देर में देख लेना। फिलहाल अभी हम लोग करेंगे चाय पार्टी एंड उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। अच्छा लग रहा ना सच में, वो सब तो ठीक है पर ये जो GST हमको 106 रुपया लगा है, बताओ हम क्या करें, बताओ ये सही बात है जरा सही नहीं ना। बाकी चलो करते हैं अब चाय पार्टी और अपने मूड को सही कर लेते हैं। मूड वैसे मेरा सही है, बाल मेरा इतना अच्छा हेयर कट हुआ है, मतलब बाल कट हुआ है इतना अच्छा कि अब हम खुश नहीं होंगे तो और क्या होंगे। 100 रुपया एक्स्ट्रा लगा तो चलो एक्स्ट्रा ही सही, लेकिन ये सही नहीं है, ये GST वाले नियम को हटा देना चाहिए, क्या बोलते हो भाई। तो हेयर कट तो डन हो गया, अभी फिलहाल चल रहे हैं मार्केट, मम्मी जो वो फ्रीज का काम बोलिए वो सारा काम करवाएंगे, मतलब वो जो कवर टूटा हुआ है वो लेंगे और चलेंगे घर की तरफ। तो फ्रिज वाला काम नहीं हुआ, भैया बोले कि सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा सैमसंग के। फिलहाल हम आ गए खाटू श्याम मंदिर, तो चलो मंदिर में भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घर और उसके बाद मम्मी का दर्शन करेंगे। तो हम घर पहुंच गए, मम्मी का पहले बाल दिखाते हैं। मम्मी मम्मी देखो ना कुछ लाई हूँ, वो सैमसंग का उसमें जाना पड़ेगा,
कुछ डिफरेंस नहीं दिखा तुमको मेरे में? देखो ना, दिखाने के लिए लाए हैं। गाइस यहाँ पे मैटर थोड़ा सीरियस हो गया। गाइस मम्मी को मेरा बाल पसंद है, गुस्सा अब ये छोटा हो गया ना, ठीक लग रहा है ना? ओम बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्या बोलती हो, कैसा लग रहा है ब्रो? तुमको कैसा लगा ब्रो? अच्छा। इसको मत खराब करो, इसको डोनेट करना है। डोनेट? इसको अच्छे से रखो ना। पता नहीं अब हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरा बाल सच में बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो अभी हमको बहुत सारा वीडियो में वॉइस ओवर करने का, ये पर्दा मेरा ऐसे लटका होता है, लगेगा क्या बताएं हम इस बार क्या बोल रहे, छोड़ो ऐसे लटका रहता है। कितना भी हम अच्छे से लगा देंगे, बार बार हवा से गिर, लास्ट में गिर जाता है, सुबह लगाएंगे रात भर में गिर जाएगा। खैर इसको हटाते हैं, हम बहुत सारे वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करने का है। तो चलो खाना खाते, क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रहा है। एक्साइटमेंट के चक्कर में आज मेरा खाना पीना वही जो लंच में हुआ उसका कुछ हुआ नहीं है। तो कुछ खाते पीते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हमको आज एक क्राफ्ट भी बनाने का है। काफ़ी टाइम के बाद एक क्राफ्ट का ऑर्डर आया है, मतलब एक इंगेजमेंट प्लेट है, मतलब क्राफ्टी चीज़ का आइटम। ऐसे पेंटिंग वेंटिंग तो हम अक्सर करते ही है, वो सब ऑर्डर आते हैं, लेकिन ये ऑर्डर बहुत टाइम के बाद आया है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोग के साथ शेयर करने के लिए भी, और हम खुद बनाने के लिए भी। तो चलो पहले कुछ खा पी के आते हैं, क्योंकि भूख बहुत जोर का लगा है। लुक एट माई पोनी गाइस, कितना ज़्यादा ही छोटा हो रहा है अब इसको। मतलब बात क्या है ना, ऐसे खुले बाल में तो छोटा जो पता चल रहा है चल रहा है, इस तरह का चोटी कर लेंगे तो और छोटा लगेगा। तो मम्मी ऐसे गुस्सा गई है और ये देख लेगी तो और गुस्सा है। गुस्सा अच्छा हम यहाँ पे किसी तरह का कर लेते ताकि पता नहीं चले कि मेरा बाल इतना छोटा हुआ है, क्योंकि सामने में जितना बार आएंगे उतना बार डांट पड़ेगा। सच में छोटा हो गया, देख रहे हो कहाँ आ रहा है, कहाँ ऐसे करते तो यहाँ तक आता था और कहाँ यहीं पे ख़त्म हो गया। तो मेरा खाना चावल और आलू गोभी का सब्जी। तो हम बैठ के कर रहे हैं पेंटिंग, वहाँ वाला पेंटिंग कंप्लीट हो गया, साड़ी में थोड़ा सा बाकी रहा और एक नया साड़ी है, नया नहीं दूसरा साड़ी जिसको कि इनकम्प्लीट रखे थे तो उसमें कर रहे हैं, और साथ ही में अपना शॉर्ट्स को भी एडिट कर रहे हैं। और पता है आज हम बैठ के, आज पता नहीं कहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, हमको एक एडिटर मिल गया जो कि मेरा ब्लॉग एडिट करने वाला हमको मिल गया, तो थोड़ा सा मेरा माथा हल्का हुआ। तो 15 शॉर्ट्स हम एडिट कर लिए फिलहाल, डिनर उनर हो गया, नहा धोवा के भी आ गए, सेम टॉप पहन लिए क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ये पहने थे, और यहाँ देख रहे हो दोनों भाई बहन का डेरा भी मेरे रूम में आ गया है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक ले टाटा बाय बाय, ध्यान रखना अपना।